नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के इस नए वीडियो में हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार लंबी खींचती जा रही है, वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और इन सब के बीच भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्ति के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें सरकार के स्तर पर राजस्व के मोर्चे पर अच्छी तस्वीर सामने दिखाई देती है। वित्त वर्ष 21-22 में जो बजट में अनुमान लगाया गया था कि 22,17,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, लेकिन अब जबकि वित्त वर्ष समाप्त हो चुका है, सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बताया गया है कि उसे 27,07,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है और आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में और सुधार की उम्मीद है। ये अभी प्री एक्चुअल्स आंकड़े हैं, यानी वास्तविक से पहले वाले आंकड़े। तो इनमें बजट अनुमान के मुकाबले 5,00,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई देती है, जिसमें प्रत्यक्ष कर का बजट अनुमान था कि 11,08,000 करोड़ रुपये मिलेगा, ना वर्ष की समाप्ति पर ये 14,10,000 करोड़ रुपये का अनुमान आया है। अप्रत्यक्ष कर में 11,02,00,000 करोड़ रुपये मिलने का बजट अनुमान था, अब जो प्री एक्चुअल्स आंकड़े आए हैं वो 12,90,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर 27,07,000 करोड़ रुपये सरकार की जो है कर राजस्व के रूप में प्राप्ति होने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले ये 34% की वृद्धि दर्शाते हैं। पिछले साल यानी 2020-21 में सरकार को संशोधित अनुमान के मुताबिक 19,00,000 करोड़ रुपए का जो है राजस्व प्राप्त हुआ था। सरकार का कहना है कि कोविड महामारी की एक के बाद एक दूसरी लहर आने के बाद जो सरकार ने उस पर नियंत्रण पाने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो चलाया है, उससे आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने में मदद मिली है। जो राजस्व बढ़ा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उनको बढ़ाने में मदद मिली है। और इसके साथ ही राजस्व विभाग और कर विभाग ने, आयकर विभाग ने जो अनुपालन बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, छापेमारी का अभियान चलाया और दूसरी सख्ती की गई है और कर की दरों में जो सरलीकरण किया गया, कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम किया गया, इनकम टैक्स की दर में भी जो है कई तरह के सुधार किए गए हैं, कृत्रिम मेधा का इसमें इस्तेमाल किया गया, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इन सब तमाम उपायों से राजस्व प्राप्ति में काफ़ी उनको जो है उसका मदद मिली है। और यही वजह है कि इस साल 2021-22 वित्त वर्ष जो समाप्त हुआ है उसमें बजट अनुमानों से भी कहीं ज़्यादा राजस्व प्राप्ति का ताज़ा अनुमान सामने आया है। 21-22 को GDP के लिहाज में, GDP टू टैक्सेस, GDP के समक्ष कर राजस्व कितना रहा है, वो 11.7% का अनुमान सामने आया है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यही नहीं, वित्त वर्ष के दौरान आयकर विभाग ने 2.24 लाख करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए हैं। 2,40,00,000 लोगों को जो है इतने रिफंड जारी किए गए और पिछले 2 साल का जो भी रिफंड बकाया था वह जो है पूरा चुका दिया गया है। 21-22 के दौरान 7,14,00,000 रिटर्न भी दाखिल किए गए, इससे पिछले साल 6,97,00,000 रिटर्न दाखिल किए गए थे। अप्रत्यक्ष करों में और उसके साथ साथ GST प्राप्ति में भी अच्छी वृद्धि इस दौरान देखी गई है। सरकार ने बताया कि 2021-22 के दौरान जो औसत मासिक GST राजस्व प्राप्त हुआ है वो 1,23,000 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 2020-21 में ये 94,734 करोड़ रुपए रहा था। यानी 2021 में हर महीने 94,734 करोड़ रुपये GST के रूप में मिल रहे थे, जो कि 21-22 में हर महीने 1,23,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये काफ़ी सुधार है। इससे पहले 19-20 में जब कोरोना देश में नहीं आया था, तब औसत मासिक GST प्राप्ति 1,01,000 करोड़ रुपए रही है। तो 19-20 और 2021 में हम देखें तो GST प्राप्ति 1,00,000 करोड़ से ऊपर रही है, लेकिन जो 2021 का साल था उसमें 94,734 करोड़ रुपए रही है। और इसकी वजह रही है कि देश में कोरोना महामारी का प्रभाव काफ़ी उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 2020 अप्रैल, मई और जून
अप्रैल मई में पूरे देश में लॉकडाउन रहा था, जून से धीरे धीरे ये खुलना शुरू हुआ था, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर से जो महामारी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन तब कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर 2021 जो है पूरा जो है कोरोना महामारी से प्रभावित रहा, और 21-22 में अप्रैल और मई में कोरोना ने दूसरी लहर आई थी, लेकिन तब पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगा था, वो तब राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन लगा था और उसका आर्थिक गतिविधियों पर इतना गहरा असर नहीं पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 से 8 अप्रैल 2022 के दौरान अपनी बैठक की और उसमें ये तय किया कि जो रेपो दर है, जो बैंकों की जो केंद्रीय बैंक की मुख्य नीतिगत दर है, उसे 4% पर बरकरार रखा जाएगा। इसी प्रकार स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को 4.25% पर पूर्ववत रखा गया है, और अब पहले जो रिवर्स रेपो दर थी उसके स्थान पर स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर की शुरुआत की गई है, और उसे एक इसका जो है जो समायोजन तरलता समायोजन सुविधा है उसके फ्लूर रेट उसको कहा गया है, तो उसे 3.75% पर तय किया गया है। और MSP ने कहा है कि मौद्रिक नीति का जो रुख है फिलहाल नरम बना रहेगा, लेकिन अब इसके आगे वो जो नरम रुख है उसको वापस लेने के पर भी गौर करेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक को महंगाई का जो स्तर है महंगाई पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लंबी खींचने के बाद जो नए हालात बने हैं दुनिया में उससे महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। जनवरी 2022 में जो खुदरा महंगाई है वो 6% पर पहुंच गई है, फरवरी 2022 में 6.1% पर पहुंच गई है, और मार्च के आंकड़े अब 14 अप्रैल को जारी होंगे तब उनका पता चलेगा। खाद्य मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो महंगाई का स्तर बढ़ रहा है इसमें खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने का बड़ा योगदान है। अनाज सब्जी मसाले प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ अंडा मीट मछली के ऊंचे दाम से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है और इससे खुदरा महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महंगाई पर पेट्रोलियम पदार्थों का असर अभी नहीं दिखा है, उसके आंकड़े अप्रैल के आंकड़ों में उसका जो प्रभाव है वो अप्रैल के आंकड़ों में आपको दिखाई देगा। अभी केवल खाद्य पदार्थों का जो क्योंकि जो विश्व बाजार में खाने पीने खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं, एल्युमिनियम के दाम बढ़े हैं और दूसरी चीज़ों के जो दाम बढ़े हैं उसका असर जो है खाद्य मुद्रास्फीति पर दिख गया है। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन सरकार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से 10 मार्च तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ाए थे। 10 मार्च को जब इन राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए उसके करीब 4-5 दिन बाद से इन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए, तो इनका असर मार्च के खुदरा महंगाई आंकड़ों में थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन अप्रैल के बाद इनका पूरी तरह से असर दिखने लगेगा। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक की जो फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षा पेश हुई थी उसकी जो उसके जो अनुमान थे उनके मुकाबले जो अप्रैल के अब अनुमान उसने व्यक्त किए हैं इनमें काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। फरवरी में कहा गया था कि 2022-23 में जो नया वित्त वर्ष अब शुरू हुआ है अप्रैल से उसमें महंगाई का आंकड़ा 4.5% के आसपास औसत आंकड़ा जो है 4.5% रहेगा, लेकिन अब अप्रैल में जो मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक ने जो समीक्षा पेश की है उसमें कहा है कि 2022-23 में खुदरा मुद्रास्फीति का औसत आंकड़ा 5.7% रहेगा, 4.5 से बढ़कर 5.7% कर दिया गया है। वहीं जहां कहा गया था 22-23 में आर्थिक वृद्धि 8% 8.5% रहेगी, फरवरी में कहा गया 7.8% रहेगी, और अब अप्रैल के आंकड़ों में ये कहा गया कि अब ये 7.2% रहने का अनुमान है, यानी जो GDP वृद्धि है उसका अनुमान भी कम कर दिया है। 2021-22 में विदेशी मुद्रा भंडार 30.3 अरब डॉलर बढ़कर 607.3 अरब डॉलर पर पहुँच गया। वहीं अगर निर्यात की बात की जाए तो 21-22 में निर्यात का आंकड़ा 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करते हुए 417.80 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और इसके साथ ही आयात भी बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, आयात 609 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, और इससे जो हमारा वस्तु व्यापार का घाटा है वो 192 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये उम्मीद जाहिर की है
कि देश में जो खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन है जिसके 31 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान है, उसको देखते हुए खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जिन चीज़ों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर पर तय होते हैं उनमें जो है यह तेज़ी देखी जा सकती है। फिलहाल हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को हमारे नारद संचार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपना अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसे भी हमें बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।